गाइज आई बिलीव यू हैव कंप्लीटेड प्रिपरेशन मेथड्स। सबने वीडियो लेक्चर्स देख लिए होंगे उतने। तो इफ यू हैव डाउट्स देन यू आस्क। फर्स्ट वी विल डिस्कस दोज डाउट्स रिलेटेड टू दोज रिएक्शंस एंड देन आई विल गिव यू माय क्वेश्चंस। फिर डिस्कशन करो। बताइए, समबडी इज आस्किंग सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द प्रिपरेशन यूजिंग हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्गी। चलिए, हाइड्रोबोरेशन जो मेथड है, अगर आप बाकी लोगों को नहीं पता है तो उनके लिए पहले हम हाइड्रोबोरेशन करते हैं और फिर उसका प्रोटोनोलिसिस करते हैं। तो पूरा जो प्रोसेस होता है, इस पूरे प्रोसेस का नाम है हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन प्रोटोनोलिसिस। हाइड्रोबोरेशन प्रोटोनोलिसिस ये पूरे मेथड का नाम है। अब हाइड्रोबोरेशन प्रोटोनेशन प्रोटोनोलिसिस में देखिए, ये तो बहुत सिंपल है, ये इसको खाली एच देने के लिए यूज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अपने लिए ये है क्योंकि इसी के बेसिस पे आपका यू नो रिएक्शन का जो जो सिन या एंटी वो भी पता चलता है। स्टीरियो केमिस्ट्री का आइडिया लगता है हाइड्रोबोरेशन के पॉइंट से। सो एक सिंपल सा एग्जाम्पल इसमें ले लो, जैसे इफ आई टेक CH3 CH double bond CH2, इसका रिएक्शन जब BH3 से करा, BH3 आपको वो क्वेश्चन में BH3 इन THF करके ऐसा लिख कर दे सकता है ऐसा। तो ये BH3 एज एन इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये पता करना कि ये जो बोरॉन है, क्योंकि यहां हाइड्रोबोरेशन का मतलब है एक बोरॉन ऐड होगा और एक उसका एच ऐड होगा, एक बोरॉन ऐड होगा और एक इसीलिए उसको हाइड्रोबोरेशन कहते हैं। तो अब बोरॉन इस वाले डबल बॉन्ड कार्बन को मिलेगा या सेंट्रल वाले डबल बॉन्ड कार्बन को मिलेगा, उसी तरह से एच मालूम करना है आपको कहां पर जाकर अटैच होगा। तो हाइड्रोबोरेशन में दो चीजें ऐड हो रही, एक बी और एक एच, बी एंड एच याद रखना। तो सबसे पहला आइडिया आपको लेना है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक अटैक किस कार्बन पे होता है। तो फॉरगेट अबाउट हाइड्रोबोरेशन, किसी भी एग्जांपल में जहां पर भी एल्कीन अटैक एल्कीन पर अटैक होता है, यानी इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स एल्कीन, तो एल्कीन पे वो वहां पर अटैक करेगा जिसका नेबरिंग कार्बन जो है वो स्टेबल कार्बोकेटायन दे पाए। यानी कि अगर मान लीजिए अटैक आपने इस कार्बन पे कराया तो आपको पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर ही शिफ्ट कराना पड़ेगा, तो आपका जो कार्बोकेटायन है वो उसके नेबर में मतलब ऐसा बनेगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो इसका मतलब है कि हमेशा इलेक्ट्रोफाइल उस कार्बन पर अटैक करेगा जिसपे कम एल्काइल ग्रुप्स लगे हों, क्योंकि ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स वाला तो कार्बोकेटायन में जाएगा। इसका मतलब बोरॉन इज गोइंग टू अटैक दिस कार्बन। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि बोरॉन का इंटरेक्शन किस कार्बन से होने जा रहा है। ये हमारा नॉर्मल इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के बेसिस पे हमने सोचा, ठीक है। खाली डिफरेंस ये है इस पर्टिकुलर केस में, बिकॉज ये हाइड्रोबोरेशन है, यानी कि ये नॉर्मल खाली इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक नहीं करता। अटैक होते ही ये इमीडिएट अपना जो एक हाइड्रोजन है ना, जैसे ये कनेक्ट होगा, आई एम जस्ट शोइंग यू ट्रांजिशन स्टेट, ये अपना एक H- के फॉर्म में आप सोचो इस कार्बन को देना शुरू कर देता है। तो इसका जो प्लस है कहीं रीअरेंज नहीं हो पाता, तो अ काइंड ऑफ ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट तुम्हें एक मिल जा रही है। उसके बाद बस आपको ये दिखा देना है कि आप यहाँ CH3 को एक ये इस CH को एक H मिला तो CH2 बन गया, और ये CH2 को जो मिल गया बोरॉन वो BH2 के फॉर्म में आ गया। आफ्टर दैट ये भी कंप्लीट नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर दो और एच है, इसका मतलब ये यही प्रोसेस दो और एल्कीन के साथ कर सकता है, इसके दो और मॉलिक्यूल्स, यानी सेम प्रोसीजर होगा। इसीलिए एंड में यू आर गोइंग टू गेट थ्री सच आर ग्रुप। इसको अगर एल्काइल आर मान लें तो ऐसे तीन ग्रुप्स होंगे जो बोरॉन के साथ कनेक्टेड है। इसी को कहते हैं ट्राई एल्काइल बोरेन। दिस इज व्हाट ट्राई एल्काइल बोरेन। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है
क्योंकि आपका बोरॉन और हाइड्रोजन सेम साइड से गया, इसीलिए ये सिन हो गया अपने लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देखो ये स्टीरियो स्पेसिफिक सिन एडिशन हो गया, राइट। तो अब इसकी बात का वो इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, और वो उसमें कुछ करना भी नहीं है। प्रोटोनालिसिस के लिए हम एक प्रोपियोनिक एसिड या फिर यहाँ पर हम एसिटिक एसिड ले लेते हैं, तो उसका एच आपको देना होता। अब लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, क्वेश्चन जिस पर बेस्ड आ सकता है, मैं कलर भी कर दे रहा हूं। आई एम जस्ट राइटिंग दिस विद ग्रीन कलर एंड आई एम राइटिंग हाइड्रोजन ऑफ BH3। ये जो BH3 है इस एक मिनट ना, इसका कलर मैं चेंज करके ये वाला जो एच है ना, ये एच, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूं, इसको ब्लू, ऐसा ब्लू कर देता हूं, है ना। तो ये एकदम क्लियर होना चाहिए आपको कि ये जो हाइड्रोजन यहां आया है ना, ये वाला, ये हाइड्रोजन, ये ब्लू वाला हाइड्रोजन, राइट। एंड में आपको एकदम पता चलना चाहिए कि वो कौन सा हाइड्रोजन कहां से आया है। और ये जो CH3COH अपना एच देगा ना, वो बोरॉन हटा कर देता है, ये बोरॉन हटेगा और ये वाला हाइड्रोजन जाएगा। तो लेट मी अगेन टेक दैट ग्रीन कलर, तो ये हाइड्रोजन एस इसको मिलने वाला है। सो एट द एंड जब मैं प्रोडक्ट लिखूंगा, आई विल राइट CH3, CH2, CH3, तो मेरे पास एक जो हाइड्रोजन आया है जो ग्रीन कलर का है वो यहां पर आया है, राइट। और मेरे पास जो ब्लू कलर वाला हाइड्रोजन है वो यहां आया है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कौन सा हाइड्रोजन किसको मिलता है, राइट। तो इसको फटाफट आप कॉपी कर लो और इससे रिलेटेड मैं आपको बहुत अच्छा सा क्वेश्चन देता हूं। Have you copied this? Somebody is saying please share recording. Yes, of course, every time I share, कई बार YouTube वाले उसमें लिंक में आपको डाल कर देता हूँ, तो उसको आप कंफ्यूज मत हो जाना, वो सब जो ऑनलाइन सेशन है वही उसमें डाल कर देते हैं। So why is this a sin addition? Because बेटा दोनों बोरॉन और हाइड्रोजन दोनों सेम साइड से जा रहे हैं ना, तो सेम साइड से जब जाता है तो उसको सीन एडिशन कहते हैं। चलिए अभी इस पर बेस्ड में एक क्वेश्चन दे देता हूँ। उसके बाद किसी ने पूछा है कुछ ब्लॉ रूल के बारे में पूछा है कि डीकार्बोक्सिलेशन से, उसके बाद मैंने बताया होगा, सो आई विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट दैट, ऑल्दो उसका डिस्कशन बाद में करना है, आज के टाइम पे क्या करना है वो मैं आपको बता दूंगा। तो पहले लेट मी गिव यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस, देखो आप फटाफट आंसर निकाल पाते हो कि
गाइस दीज आर फोर क्वेश्चंस, आप फटाफट इनके आंसर्स व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए. वेटिंग फॉर द आंसर्स. वेरी गुड. सभी के आंसर्स दीजिएगा सेपरेट लिया. वेरी गुड. और दूसरे के आंसर्स ओपन करके मत लिख दीजिएगा, केवल भेजने के लिए, ऐसा मत करिएगा, अपना आंसर ही लिखकर भेजिए. गाइस अगर आप लोग परेशान हो रहे हो तो आई कैन राइट ऑप्शंस, मैं ऑप्शंस लिख देता हूँ, आप उसमें से देखो पिक कर लो. क्या आप कुछ सोच पा रहे हो? इधर ऑप्शंस डाल देता हूँ. इसको लेके आप कंफ्यूज मत हो ना, ये सेम साइड से ही है, ये जो डी और टी या डी और एच में ऐड किए सब में सेम साइड से ही. तो आप मिथाइल के लिए ये मत सोचना कि ये मिथाइल और डी सेम साइड पे मैं दिखा रहा हूं. एटलीस्ट आप ऑप्शन ही मेरे को दिखा दो, आप चैट बॉक्स में डाल दो. लेकिन मैं जानबूझ कर आपको एप्लीकेशन पार्ट इसलिए दे रहा हूं बिकॉज यू हैव टू नो कि किस एक्सटेंट तक क्या काम करना है. ये नहीं होना चाहिए कि आप जो है कोई इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है उस पर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो. ठीक है, अब जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया, क्लियर मैंने आपको आइडिया यहां पर दे दिया है कि आपको कौन सा एच कहां से पिक करना है. राइट, BH3 भी एक एच सप्लाई कर रहा है, CH3COOH भी एक एच सप्लाई कर रहा है. तो कौन सा एच किस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे अटैच करना है, दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट. वो रिएक्शन मैकेनिज्म आपसे नहीं पूछने वाला है. तो मैकेनिज्म का कंक्लूजन जो पार्ट है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो पिक करना है आपको. वेरी गुड, मेनी स्टूडेंट्स आर नाउ गिविंग ऑप्शन आंसर्स. चलिए शुड आई डिस्कस नाउ? यस सर. देखिए बैक टू दैट सेम कॉन्सेप्ट, आप इसको अपने नोट के फॉर्म में भी लिख दो कि द कार्बन विच इज कनेक्टेड टू मोर हाइड्रोजन एटम्स, उसका जो एच है दैट कार्बन गेट्स एच फ्रॉम CH3COOH, प्रोटोनोलिसिस के बाद उसको एच मिलता है. लेकिन द कार्बन विच इज कनेक्टेड टू मोर एल्काइल ग्रुप, द डबल बॉन्ड कार्बन विच इज कनेक्टेड टू मोर एल्काइल ग्रुप, दैट गेट्स एच फ्रॉम बोरॉन BH3, दैट गेट्स एच फ्रॉम BH3. वो क्लियर यहां पर लिख दो. तो ये जो मोर एल्काइल ग्रुप से कनेक्टेड है उसको एच मिल रहा है बोरॉन से. एक ही पॉइंट आप याद रखो, उससे भी काम चल जाएगा. यानी कि इन दो में से ये कार्बन ऐसा है जो ज्यादा एल्काइल से कनेक्टेड है. इसका मतलब है आप BH3 वाला एच इसको दोगे तो बाय डिफॉल्ट इसको CH3COO से मिलेगा. तो उसके पास तो डी है, तो डी इसको देंगे, एच इसको देंगे. सिंपल सा अपना आंसर हो जाएगा ये. आप इसको दे दो डी, इसको दे दो एच, बिकॉज आपको क्लियरली मालूम होना चाहिए कि ये वाला एच अपने को किसको देना है, इसको. ये वाला डी किसको देना है, ये. अभी पीछे कॉन्सेप्ट यही तो आपको बताया मैंने. इसमें सेम मैनर में आप सोचो कि आपको ये डी किसको देना है, उसको जिसके पास ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स है. ये किसको देना है, उसके पास जिसको कम एल्काइल ग्रुप. ये नोट करके भी आप लिख लो. तो यहां पर आपको देना है टी, यहां पर आपको देना है डी. तो कितना आसान हो गया, सेकंड्स में आप ये सब आंसर्स प्रेडिक्ट कर पाओगे. आपको मैकेनिज्म याद रखने की जरूरत ही नहीं है.
इसमें भी सेम मैनर में टी इसको मिलेगा और ये डी इसको मिलेगा। देखो सब बढ़िया से आप हो गया आपका, इधर आप सी स्त्री रहने, इसमें भी वही वही से सीन होगा, डी इसको देंगे और ये वाला एच इसको देंगे, यहां पर लगा देंगे डी, यहां पर लगा देंगे एच और ये सी स्त्री ऐसे रखेंगे। एनी डिफिकल्टी सर? मतलब बीच में वो बी एच टू और वो सब बना रहेगा ना? वो सबसे मतलब नहीं, वो थोड़ी पूछने वाला है तुमसे बेटा। हाँ नहीं बस बोल रहा हूँ, वो सब बन के वो सब होने के बाद ये एंड है। हाँ ये एंड है। हाँ ठीक है। हाँ मार्क्स भी तो लाना है सारा, तेरे को कॉन्सेप्ट्स आता है, एंड में रिजल्ट निकालना नहीं आता तो कैसे मार्क्स आएगा? तो हमें वो कंक्लूजन जरूरी से अच्छे से लिख के रखना है, याद रखना है, सो दैट टाइम भी सेव करें और आंसर भी परफेक्ट आए। चलिए अभी यहीं पर किसी ने ब्लॉ रूल के बारे में, स्पेलिंग उसका बी एल ए एन सी है लेकिन उसको ब्लॉ रूल कहते हैं, उससे पहले वो मैंने इसलिए बताया तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है अभी, अभी तो एल्केन प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, बट हमने एक चीज लर्न की वो थी डी कार्बोक्सिलेशन। तो अगर डी कार्बोक्सिलेशन का एक चीज आता है तुम्हें, उससे मिलता जुलता कुछ कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए मैंने वो सारी चीजें एक साथ आपको लिखा कर रख दी, राइट? तो डीकार्बोक्सिलेशन में आपने क्या पढ़ा? आपने कोल्ब्स रिएक्शन पढ़ी, कोल्ब्स डीकार्बोक्सिलेशन, कोल्ब्स डीकार्बोक्सिलेशन। आपने सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन पढ़ा, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। फिर उसके बाद आपने सिंपल हीटिंग किया, सिंपल हीटिंग, राइट? ये आपने किया। कोल्ब्स डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, आपको जो भी वो सॉल्ट देगा, एक्चुअली तो कार्बोक्सिलिक एसिड ले सकते हैं लेकिन उसको उसके सॉल्ट को क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस कराना पड़ता है, सॉल्ट आप कंसीडर करते हैं, इसमें दो मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट, दो मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है और सबसे इंपॉर्टेंट है फ्री रेडिकल बनता है, तो दो फ्री रेडिकल आपस में ज्वाइन होता है और ये आरआर बनता है, ये इस डीकार्बोक्सिलेशन में होता है। सोडा लाइम में क्या होता है, एक ही मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट, एक ही, लेकिन इसमें बनता क्या है, इसमें आर माइनस बनता है, आर माइनस बनता है, आर माइनस बनता है, तो आर माइनस थोड़ी ना दो ऐसे कंबाइन कर सकते हैं, इसीलिए वो सिस्टम से एच पिक करता है, सिस्टम से एच पिक करेगा और आर एच बना देगा। दोनों में डिफरेंस देखो, इसमें कपलिंग वाली टाइप की रिएक्शन हो रही है, इसमें उतने ही कार्बन एटम्स रह जाते हैं आर माइनस से आर एच बनने में, बट अगर स्टार्टिंग से एंड में कंपेयर करोगे तो एक कार्बन कम हो जाता है, दिस इज स्टेप डाउन रिएक्शन। सिंपल हीटिंग में सर मैंने आपको क्या लिखाया, सिंपल हीटिंग में मैंने आपको लिखा है कि अगर कभी भी कोई ऐसा केस आ जाता है जिसमें COOH के अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन हो गया, उसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कनेक्टेड है, रेजोनेंस वाला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, रेजोनेंस वाला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जैसे कि सी डबल बॉन्ड हो, जैसे कि यहाँ पर सी ओ एच डाल सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आप एनओ टू डाल सकते हो, इस टाइप का अगर कोई ग्रुप प्रेजेंट है तो इसको हीट करने पर सिंपली ये सीओ टू बाहर कर दो और जो बच गया उसको लिख दो, यहाँ पर एक एच आ जाएगा COH वाला और ये जो ग्रुप लगा हुआ है वो कनेक्टेड रहेगा, ये आपकी सिंपल हीटिंग है, ये डीकार्बोक्सिलेशन वाला केस हो गया। बट यहीं पर क्या प्रॉब्लम हो जाता है कि मान लीजिए कि मैंने ऐसा ले लिया दो आर COH ले लिया और इसको सिंपली हीट कर दिया, या फिर क्या किया तुमने इसको 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 किसी डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसे P2O5 ले लिया, डिहाइड्रेटिंग एजेंट उसकी प्रेजेंस में अगर हीट कर दिया तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, इसमें फिर CO2 रिलीज नहीं हो रहा, इसमें H2O रिमूव करेंगे हम लोग, तो ये एक्चुअली एनहाइड्राइड बना देगा, ये H2O आपने यहां से पिक करके हटा दिया, तो ये बना रहा है R C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O R, ये अपना है एनहाइड्राइड। अब इसी में और कलाकारी कर दी उसने, उसने क्या कर दिया, उसने आर सी ओ
और इसी का इस आप इसको सोचो, इसका कैल्शियम सॉल्ट मैंने ली, ऐसा आप विजुलाइज करो सिचुएशन, इसको उसने हीट कर दिया। तो ये बेसिकली क्या है, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी ए, ये दो वैलेंसी दिखाना है, ऐसा आप सोचो। ये देखो, इसको हीट करोगे ना तो कैल्शियम कार्बोनेट बाहर हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट में एक कैल्शियम होगा, एक कार्बन होगा और तीन ऑक्सीजन होंगे, तो आप ऐसा पूरा पिक कर लेते हो। ये हट गया, जो बच गया उसको कनेक्ट कर दो, तो इस तरह से आपको कीटोन मिल जाता है। तो मतलब आप देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले केसेस है, हीटिंग वाले केसेस है, बड़ा आपका प्रोडक्ट बदल गया, तो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल। इसी तरह से मान लीजिए कि आपको कार्बोक्सिलिक एसिड ही दिया हो, लेकिन उसने चालाकी से क्या कर दिया, यहाँ बेरियम ऑक्साइड डाल दिया, तो बिल्कुल इसी तरह की प्रोसेस हो जाएगी। तो यहाँ पर भी आपको कीटोन ही मिलने वाला है, मतलब ऐसा ऐसा आपको मिलेगा। और एक CO2 बाहर कर दो, H2O बाहर कर दो, ये सब बाहर कर दो, आपको कीटोन मिल गया। इसी के कंटिन्यूएशन में मैंने आपको ब्लॉ रूल बताया है। अब इसमें एक चीज याद रखना है कि जैसे मान लीजिए कि तुमने सबसे आसान वाला केस ले लिया, ये ले लिया, तो इसमें आप हीटिंग इफेक्ट अगर दिखाना है तो आप इसको ऐसा बना। यहाँ पर एक ये छोड़ गया है ना, इसीलिए ये उसके लिए ही था, COOH COOH, ये ऑक्सैलिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, इस तरह से प्रोसीड करते हैं। एडिपिक एसिड आएगा, पाइमेलिक एसिड आएगा, ये यहाँ पर इसको हीट करेंगे तो मिलेगा CO CO2 एंड H2, ये वाला केस है। सक्सिनिक एसिड और ग्लूटारिक एसिड ये आपको दे रहे हैं साइक्लिक एनहाइड्राइड, ठीक है, और ये एडिपिक एसिड और पामेलिक एसिड, ये आपको साइक्लिक कीटोन दे रहे हैं, यही फ्लोरो। ये कॉपी कर लो, फिर मैं आपको अलग अलग और क्वेश्चंस देता हूँ, दैट एप्लीकेशन पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉपीड नहीं सर, अभी क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं, दैट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने इतना सारा कुछ थियरी पढ़ा है तो बार बार उस पे जाएंगे तो काम नहीं चलेगा। तो क्वेश्चन लिखिएगा और क्वेश्चंस के थ्रू वो सारे जो रिएक्शंस है उसको अप्लाई करते हैं। अच्छा, वॉट एवर क्वेश्चन आई एम गिविंग यू, दीज क्वेश्चन विल इन्वॉल्व द कॉन्सेप्ट ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म
एंड हाइड्रोकार्बन। हाँ, तो केवल आप ये मत सोचिए कि हाइड्रोकार्बन का स्क्रिप्ट क्वेश्चन कोई आपको दे दूंगा मैं। तो हाइड्रोकार्बन के साथ साथ जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो दोनों लिंक होकर के कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन फ्रेम करके दे रहा हूं, ठीक है। अच्छा, इफ नथिंग इज मेंशन, हर बार आपको मेजर प्रोडक्ट ही सोचना है। आप बड़ा बड़ा आंसर बताइए। दो तीन लोग ये आंसर भेज रहे हैं, ज्यादातर लोग पार्टिसिपेट करो और अगर अटेम्प्ट कर लिया और देन वी कैन स्टार्ट डिस्कशन। गुड, चलिए डिस्कशन कर लें। सबने अटेम्प्ट कर लिया गाइस। इफ यू सी द फर्स्ट पार्ट, ये वाला, ये आपको जो रिएक्शन दिया है ये रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट हो गया। H2O दिया है विच इज कंसिडर्ड एज अ वीक बेस एंड वीक न्यूक्लियोफाइल, वीक बेस या फिर हम इसको बोल सकते हैं वीक न्यूक्लियोफाइल, राइट। रिएक्शन कैसी होगी, तो या तो SN1 फॉलो करेगा या E1 फॉलो करेगा, राइट। टेम्परेचर हाई दिया नहीं है, डेल्टा मेंशन किया नहीं है, तो हम लोग इसको क्या कंसीडर करेंगे, इसे कंसीडर करेंगे सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन SN1 कंसीडर करेंगे, राइट। सो व्हाट इज हैपनिंग, ये आप सीएल हटा दोगे यानी कि आपको मिलेगा ये कार्बोकेटायन, राइट। SN1 का मतलब है कार्बोकेटायन, वाया कार्बोकेटायन। तो ये आप रीअरेंज भी करेगा, तो रीअरेंज करेगा तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कर दोगे तो आपको ये यहां पर प्लस आ जाएगा मिथाइल एसेंशियल। बाद इस पे H2O अटैक करेगा, ये OH+ आ जाएगा, फिर H यहां से निकल जाएगा, रिलीज रिमूव कर देंगे तो ये आएगा ऐसा। आई बिलीव कई सारे बच्चों ने ये सही सही बनाया होगा। उसके बाद H2SO4 डालते हो तो ये क्या है, ये डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन किसका, ऑफ एल्कोहल टू गिव एल्कीन। ये सब हमको आता था पहले से। अब एल्कीन का डिहाइड्रेशन भी वाया कार्बोकेटायन है, प्लस बनेगा। दो पॉसिबिलिटीज हैं डबल बॉन्ड के लिए, एक पॉसिबिलिटी आ रही है आपकी कि आप डबल बॉन्ड इधर बना दो, एक पॉसिबिलिटी आ रही है कि आप डबल बॉन्ड इधर बना दो। हम ये वाला कंसीडर करेंगे बिकॉज नथिंग इज मेंशन, सो विल टेक
मेजर जो मेजर प्रोडक्ट होगा. सो ये मेजर प्रोडक्ट है आपका बी. सो आई बिलीव बी भी आ गया होगा. और जब बी आ गया तो इसके पहले वाला प्रोसेस देखो, मैंने अभी ऑलरेडी आपको ये क्वेश्चन दिए हुए थे, ये वही क्वेश्चन हो गया. तो ये देखो किस तरह से रिलेट कर दिया मैंने प्रीवियस क्वेश्चन को इसमें. तो अब इसका लेवल और बढ़ गया क्योंकि इसमें आपको दो एक सब्स्टिट्यूशन वाला कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, एक एलिमिनेशन वाला कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, फिर आपको हाइड्रोबोरेशन और प्रोटोनालिसिस वाला कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है. तो ये जो सी है ये तो ट्राई एल्काइल बोरेन टाइप का आपको ऐसे R3B करके लिखना है. तो बहुत इंपॉर्टेंट है बोरॉन किसके साथ कनेक्ट हो रहा है. तो जब ये इस टाइप का एल्कीन ऐसा दिया होगा तो ये जो H है ना ये ऑलरेडी इसको मिल गया है ना. तो यहाँ पर जो बोरॉन कनेक्ट होगा तो ऐसे तीन मॉलिक्यूल तीन तीन आर ग्रुप आपको लेने. फिर CH3COD का डी आप इसको दे दो. सो योर प्रोडक्ट हियर विल बी, इधर आप मिथाइल ग्रुप है, ये एच है और यहाँ पर आपको डी आ गया. तो देखो कितने लोगों ने जस्ट थम्स अप कर दो, कितने लोगों को ये आंसर डी वाला फाइनली आ गया. बाकी लोग कॉपी कर रहे हो क्विकली. सो कैन यू एक्सप्लेन द ए ऑफ फर्स्ट पार्ट अगेन, द सब्स्टिट्यूशन पार्ट. फर्स्ट पार्ट तो बहुत आसान है, सीएल हटाओगे प्लस आएगा, प्लस रीअरेंज करेगा क्योंकि टर्शरी मिल रहा है उसको. उसके बाद H2O का OH, यानी H2O जब अटैक करेगा तो जो OH फाइनली अटैच होगा वो इसी जगह अटैच होगा. तो बस हो गया, ये तो बहुत आसान है. एंड सर, इफ वी अटैच OH इन द प्लेस ऑफ CN, दैट विल बी अ माइनर प्रोडक्ट. वो तो उस तरह के कई सारे प्रोडक्ट्स बनेंगे बेटा, जहां जहां भी कार्बोक्रायन बनेगा ना, ये तो इसमें तो कम बन रहा है, लेकिन ऐसे जितने भी एग्जांपल्स होते हैं जिनमें कई सारे कार्बोक्रायन बनते हैं तो हर एक का अपना प्रोडक्ट होता है, बट मेजर वही होगा जो फाइनल स्टेबल कार्बोक्रायन. हैव यू कॉपीड एवरीथिंग सर? सर फाइनली भी तीन ही मॉलिक्यूल्स रहेंगे ना उसके? वो तो क्या है कि ऐसा कुछ मेंशन नहीं करता है तीन या एक, वो तो स्पेसिफाई करेगा. तो हम मैकेनिज्म में जानते हैं कि इतने मॉलिक्यूल्स मिलने वाले हैं, बट आपको खाली वो प्रोडक्ट पूछ रहा था क्या. ठीक है सर. सर वो सेकंड वाले प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड नीचे होता तो स्क्रीन सर. वो आइडेंटिकल सर. फॉर बी सर, दैट प्रोडक्ट दैट यू हैव रिटन नेक्स्ट टू इट सर, विद अ डबल बॉन्ड आउटसाइड द रिंग, सो हाउ डिड यू गेट दैट? दिस वन ना, दिस इज माइनर प्रोडक्ट, सो यू विल नॉट कंसीडर दिस वन हियर बिकॉज यू हैव टू राइट ओनली वन ना. सो यू विल राइट दिस. इट डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी बीटा हाइड्रोजन एटम्स आर अवेलेबल. यहाँ पर एक This question involves the concepts of reaction mechanism as well as alkene. Copy कर लिया, erase कर दें इसको, remove कर दें screen. Yes, sir.
गाइस क्विकली फाइंड द आंसर. वेरी गुड, कई सारे बच्चों ने ग्रुप पे भेजा अभी. How should I discuss? Yes. देखिए पहली चीज, ये जो स्टार्टिंग का पार्ट है तो बहुत आसान है. आई गेव यू नोट फॉर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्राइमरी इलेक्ट्रोलाइट, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड के साथ एल्केन देता है, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड के साथ एल्कीन देता है. So you have to be careful when you are using lithium aluminium hydride. ये एल्कीन मिल गया. लेकिन सोडियम बोरोहाइड्रेट क्या होता है, वो प्राइमरी के साथ तो रिएक्शन ही नहीं कर पाता, इसकी रिएक्टिविटी कम है. लेकिन सेकेंडरी टर्शियरी के साथ अगर रिएक्शन होता भी है तो एल्कीन मिलता है. तो ये आपको स्ट्रेट मैंने उस नोट का एप्लीकेशन दे दिया. ये आंसर हो गया. ए और बी अपने को पता चल गए. ठीक है, अब आप देखो ये इसका रिएक्शन मैंने टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड इन टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल और पोटेशियम इथॉक्साइड और इथाइल एल्कोहल के उसमें कराया. तो ये एकदम क्लासिकल डिफरेंस है दोनों में. क्या कि एक सेटजेव और हॉफमैन वाला, तो ये वाला एग्जांपल है, ये सेटजेव के लिए जाता है और ये वाला हॉफमैन के लिए जाता है ना. तो इसका मतलब जो सी यहां पर मिलने वाला है वो ये मिलेगा और जो ई यहां मिलेगा वो ये अंदर की तरफ डबल बॉन्ड. तो ये बेसिक डिफरेंस सी और ई में. फिर तो वो खेल खेल रहे हैं BH3 और CH3COH के साथ. ये तो बहुत ही आसान है. ये तो फिर आप सीधे सीधे केवल आपको ये देखना है कि डिफरेंस है कि नहीं है दो टाइप के जो कार्बन एटम्स हैं. तो ये ज्यादा एल्काइल ग्रुप है जिसके पास वो वाला डबल बॉन्ड कार्बन है, तो इसको हम लोग H देते हैं जो BH3 वाला होता है. तो हम लोग सिंपली ये ऐसा यहां पर डाल देंगे H, और ये जो कार्बन है इसको इसका T दे देंगे, ये ऐसा हो जाएगा और ये एक्चुअली में CH2 है. ठीक है, इसमें भी वही सिनेरियो है. अब ये वाला कार्बन ज्यादा एल्काइल वाला है तो ये जो D है वो इसको देंगे, यहाँ डी लगा देंगे और नीचे वाला जो एच है वो ये इसको मिल. देख लो आपने यही किया है कि नहीं. इफ एनी कंफ्यूजन प्लीज आस्क. सर हाउ डिड वी गेट सी एंड ई? सी एंड ई बेटा इसके लिए रिएक्शन मैकेनिज्म आना चाहिए आपको. ये रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट है. रिएक्शन मैकेनिज्म में हमने लर्न किया हुआ है कि हॉफमैन प्रोडक्ट हमको स्पेशली वो चार केसेस याद होने चाहिए, एफ वाला, इसके अलावा NR3+ वाला, SR2+ वाला. तो वी हैव टू बी केयरफुल, उसमें हॉफमैन प्रोडक्ट मिलने के चांसेस रहते हैं. तो ये और ये बल्कि बेस वाला, तो ये बल्कि बेस और एफ इन सब में हॉफमैन प्रोडक्ट वाला तो ये लिखा. बाकी सब में तो एलिमिनेशन नॉर्मल रहता है. सेटजेव प्रोडक्ट बना दो यानी जो ज्यादा स्टेबल एल्कीन है वो वाला प्रोडक्ट बन जाता है. Can I remove this? Yes, sir. सब लोग कॉपी कर लेना अच्छे ढंग से सब कुछ. हर बार हीट देने की जरूरत नहीं है बेटा. फॉर हॉफमैन एलिमिनेशन अगर मान लीजिए नॉर्मल सिनेरियो में ही एलिमिनेशन पॉसिबल है
तो उसको हीट लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, स्ट्रॉन्ग बेस दिया है, E2 मैकेनिज्म फॉलो करता है। Yes, sir. डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट पार्ट रिएक्शन मैकेनिज्म से रिलेटेड और दूसरा पार्ट एल्केन से रिलेटेड। पहले पार्ट में जो Cl यहां पर दिया हुआ है, बिकॉज ये क्लियरली देखने से पता चल रहा है दिस इज गोइंग टू बी डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। और मैकेनिज्म भी E2 है ना, E2 मैकेनिज्म एंटी एलिमिनेशन वाली हो। तो अब Cl इधर है उसके ब्रोकन बीच में, तो ब्रोकन बेच पे आपको यहां मिल रहा है क्या इस कार्बन पे? यस। और इस पे तो कुछ भी मेंशनड नहीं है, दैट मींस सॉलिड बेच भी मिल रहा है ब्रोकन बेच, एंड यू वांट ब्रोकन। सो ऑल द दो प्रोडक्ट्स यहां पॉसिबल है हमारे पास। एक प्रोडक्ट पॉसिबल है ये वाला कि आप डबल बॉन्ड यहां लगा दो, एक प्रोडक्ट पॉसिबल है ये वाला कि आप डबल बॉन्ड इधर की तरफ लगा दो, इसको एज सच रहने दो। तो हम लोग ये वाला यहां नहीं लेंगे, ये लेंगे बिकॉज दिस एल्कीन इज मोर स्टेबल एल्कीन। ये है क्या? मोर स्टेबल एल्कीन, इसको आप सिट द प्रोडक्ट भी सोच सकते हो। अब इसके बाद BD3 और ये तो पुराना स्टाइल, फिर से मैंने जानबूझ के आपको दे दिया सो दैट इसकी प्रैक्टिस अच्छी से हो जाए। यहां पर आपको सिंपली जो है डी लगा देना है और इधर की तरफ आपको टी लगा देना है, ये आपका प्रोडक्ट हो गया। ये इंटरेस्टिंग आ गया, इसमें क्या है कि इसमें भी E2 एलिमिनेशन है, इसमें भी E2 एलिमिनेशन, E2 elimination ही यहाँ भी एंटी है। एंटी का मतलब है कि अगर F यानी leaving group आपका broken wedge पे, then H must be on solid wedge and you are getting H solid wedge यहाँ पर आपको solid wedge मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है आपको, दोनों तरफ मिल रहा है। तो पहले जैसे स्टाइल में कर सकते हैं, लेकिन नहीं, ये F है। याद करो, F एक एग्जाम्पल था हेलोजेंस में जिसमें आपको कौन सा प्रोडक्ट मेजर मिलता था, हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर मिलता, यानी कि आपको ये इस साइड में लेकर के डबल बॉन्ड लगाना। सो योर बी विल बी एक्चुअली दिस, यहां पर लगाए और बाकी यहां सी एस थ्री सच मैंने ये बहुत आसान मैंने दे दिया, H2NI दे दिया, सीधे सीधे आप हाइड्रोजनेशन करा दो और कोई रीअरेंजमेंट तो होता नहीं है, जहां पर डबल बॉन्ड है वहीं HH लगा देना और ये फाइनल आंसर लिख देना। प्लीज कॉपी कर लो उसको।
get the answer. Should I discuss? Yes, sir, discuss. देखिए पहली चीज ये जो पहला वाला रिएक्शन है ये एक्चुअली में रिंग ओपनिंग ऑफ एपॉक्साइड है. एपॉक्साइड रिंग ओपनिंग. अगर आप थोड़ा बहुत रिकॉल करें तो रिएक्शन मैकेनिज्म में आपने देखा होगा कि जो एपॉक्साइड का रिंग ओपनिंग है वो एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम पर डिपेंडेंट होता है. एसिडिक मीडियम में पहले प्रोटोनेट होता है फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है. तो न्यूक्लियोफाइल अटैक्स दैट कार्बन वेयर कार्बोकेटायन इज मोस्ट स्टेबल. इसमें लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा बिकॉज बोथ दी एंड ये दोनों कार्बन जो है जो एपॉक्सी से लिंक्ड है वो जो है वो आइडेंटिकल है. एक कोई फर्क नहीं पड़ रहा आप किधर भी करवा दो. तो लेट अस से आपने प्रोटोनेशन के बाद यहाँ पर अटैक किया तो ये वाले इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए ऑक्सीजन माइनस बना और फिर सिस्टम से एच ले लेगा और ओ एच बन जाएगा. तो ये ऐसा दिखेगा सी एच थ्री सी एच यहाँ ओ एच आएगा और वैसे तो ओ एच अपोजिट दिखाना है अपने को बट हम कोई वो लेकर नहीं चल रहा हम स्ट्रक्चरली केवल लिख रहे हैं. तो बी आपको ये मिल गया. जितने बच्चों को ये बी मिल गया मतलब तो इसका मतलब उनको रिंग ओपनिंग एपॉक्साइड का अच्छे से आता है. उसके बाद ये वाला ध्यान से देखो हो सकता कई बच्चों को स्ट्राइक किया हो. पिनाकोल रिएक्शन याद करो. पिनाकोल ऑन रीअरेंजमेंट याद है. पिनाकोल ऑन रीअरेंजमेंट. तो इसमें क्या करते हैं सबसे पहले तो ये OH कोई एक प्रोटोनेट होगा. आप फॉर्चुनेटली इसमें आइडेंटिकल है तो किसी को भी प्रोटोनेट कर दो तो ये कार्बोकेटायन प्रोटोनेट होने के बाद इस तरह से बन जाता है राइट. इसके बाद क्या होता है इसके बाद आप शिफ्ट करा देते हैं. क्या शिफ्ट करा देते हैं कि बिकॉज प्लस आपको ओके नजदीक ले जाना और शिफ्टिंग का क्राइटेरिया क्या होता है. शिफ्टिंग का क्राइटेरिया होता है एच ग्रेटर देन फिनाइल ग्रेटर देन टर्शियरी एल्काइल ग्रेटर देन सेकेंडरी इस तरह से जाता है. तो इसका मतलब H और मिथाइल में कौन माइग्रेट करेगा H माइग्रेट करा देंगे हम लोग. तो ये बन जाएगा आपको सी एस थ्री और यहाँ पर H आ जाएगा ये सी O बनेगा और फिर O अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा. तो ये ऐसा नहीं ये आपका फाइनल C है ये. इसके बाद NH2 जो बहुत आसान है वुल्फ किशनर रिडक्शन है याद करो. क्लेमेंशन रिडक्शन और वुल्फ किशनर दो ही मैंने आपको उसमें बताया होंगे. तो वुल्फ किशनर रिडक्शन का काम क्या है एल्डिहाइड्स कीटोन्स वाला जो सी डबल बॉन्ड होता है उसको स्ट्रेट वो किसमें कन्वर्ट कर देता है सी एच टू में. तो ये जो प्रोडक्ट होगा यहाँ सी एस थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री. तो ये आप फटाफट कॉपी कर लो कोई कंफ्यूजन ना हो. Sir, please tell the epoxide ring opening how did that happen? Epoxide ring opening में कोई खास चीज नहीं होती है. जो भी न्यूक्लियोफाइल आएगा वो जिस कार्बन पे अटैक करेगा उसके ऑपोजिट आपका ये उधर का ओ सी ओ बॉन्ड ब्रेक हो जाता है. तो मान लीजिए कि न्यूक्लियोफाइल आया और उसने यहाँ अटैक किया ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो उसकी तरफ ओ माइनस गया और इस यहाँ न्यूक्लियोफाइल ऐसे कनेक्ट हो गया. तो हमारे केस में H2O ही न्यूक्लियोफाइल है. तो H2O जब अटैक करेगा तो उधर से एक OH आएगा और O माइनस तो बाद में OH बन ही जाता है ऐसे OH न्यूक्लियोफाइल. तो न्यूक्लियोफाइल अपने में H2O था तो H2O भी OH ही अटैच कराता है. तो यहाँ OH आएगा यहाँ भी OH है वही लिखा हुआ. So 1 minute.
थोड़ा टफ क्वेश्चन है, बिकॉज पहले दो स्टेप्स ही अपने आप में डिफिकल्ट वाले थे, बट आपको क्वेश्चंस ऐसे ही आने वाले हैं, उसमें कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर का कोई एक रिएक्शन नहीं आने वाला है. दे विल गिव यू नो कॉम्बिनेशन होंगे कॉन्सेप्ट्स के, उन पर बेस्ड जो फ्रेम किया क्वेश्चन होगा वो आएगा. देयर आर चांसेस यू मे गेट एडवांस्ड एग्जाम में ऐसे टाइप के क्वेश्चन. So in BOH, the OH should be in opposite directions, na? लेकिन सिंगल बॉन्ड ना बेटा थंबल स्ट्रक्चरल लेकर करो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्रोटोनेशन के बाद तो कार्बोकेटायन बनने वाला है, और कार्बोकेटायन फिर वो सिंगल बॉन्ड या आप उसको रोटेट करा कर कैसे भी करा दो, प्लस जो है ओके पास वाले का कार्बन पे ही जाएगा. रिमूव कर दे स्क्रीन बेटा. माइग्रेटरी ग्रुप का मैंने ऑर्डर लिखाया हुआ है, एच ग्रेटर देन फिनाइल, ग्रेटर देन टर्शियरी एल्काइल, ग्रेटर देन सेकेंडरी एल्काइल, ग्रेटर देन प्राइमरी एल्काइल, इस तरह कर. कॉपी कर लिया. गाइस याद रखना, बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर में अगली लेक्चर आ रहा है, मोर वीडियो लेक्चर्स, तो आप बहुत ज्यादा तो नहीं मैं बोलूंगा, बट प्रिपरेशन सबने फिनिश कर रखा है, तो आप प्रॉपर्टीज बहुत कम है एक्चुअली एल्केन्स की, तो प्रॉपर्टीज फटाफट देख लेना, एंड देन यू हैव टू वॉच प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्कीन, और मैक्सिमम प्रिपरेशन मेथड्स आप फिनिश कर लेना, बिकॉज प्रिपरेशन मेथड्स में कुछ अलग रिएक्शंस होंगी, और जो E1 E2 ये वाली रिएक्शंस वो पहले से पढ़ रखा आपने, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल पहले से पढ़ रखा है, वो सब रिपीट होगा, तो वो फटाफट देख करके आप मैक्सिमम प्रिपरेशन मेथड्स देख लेना एल्कीन चैप्टर. So that next lecture में हम लोग properties alkene उससे related questions plus alkene के preparations related questions करेंगे, ठीक है? So how many lectures should we watch? What are you saying, beta? So how many lectures would that be? मेरे ख्याल से at least 3 lectures तो आप देख ही लेना, because एक week में एक lecture यहाँ पर online हो रहा है, तो उस तरह से questions पे discussion करना है पड़ेगा अपने को. चलिए, तो next question एक लिखिएगा. This is acetone. गाइस थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, एक हिंट भी मैं आपको दे देता हूं. देखिए एक फेमस रिएक्शन है एल्डिहाइड्स कीटोन्स में, हम लोग पढ़ते हैं उसको. एक
एल्डिहाइड्स कीटोन्स में हम लोग फेमस रिएक्शन पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है, कोई जब आप कीटोन या एल्डिहाइड लेते हो और उसमें दो मॉलिक्यूल्स जो है एल्कोहल के डालते हो ऐसे, है ना, एसिड की प्रेजेंस में, तो होता क्या है कि ये दो ROH के जो OR पार्ट ना वो इस कार्बन से कनेक्ट हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन हटा देते हैं और इस तरह से दो OR लगा देते हैं, इसको एसिटल या कीटल बोलते हैं। ये एक फेमस रिएक्शन है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। एल्डिहाइड्स कीटोन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जाते हैं, और ये ROH का जो O है उसके पास लोन पेयर होता है इसलिए अटैक कर देता है, तो ये ऐसा बन जाता है, O माइनस आएगा फिर ये H ले लेगा और ये ऐसा, यहाँ O R बच गया, जो H था क्योंकि प्लस आ गया ऑक्सीजन को उसको न्यूट्रलाइज करना था, H प्लस हट गया और H प्लस किसके पास चला गया, OH के पास, ये बन गया। ये देखो इसी से मैच करता हुआ है, लेकिन एक ही OR अभी आया, इसको हेमी एसिटल बोलते हैं, आधा काम हुआ है ना, हेमी एसिटल। और इसके बाद जब हम इसका एसिड, क्योंकि एसिड है तो ये OH फर्दर प्रोटोनेट हो जाता है, तो ये ऐसा दिखता है, और फिर जब ये हटेगा ये H2O के फॉर्म में तो एक दूसरा ROH फटाफट अटैक कर देता है, तो आप देखोगे कि दो OR ऐसे कनेक्ट हो गए, राइट। इसी सेंस पर बेस्ड अगर मान लीजिए मैं ROH के बदले RSH ले लूं, मतलब उसी ग्रुप का जो है सल्फर है ऑक्सीजन ग्रुप का, तो मैं RSH ले लूं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, कॉमन सेंस आपको आंसर दे सकता है। जैसे यहाँ दो OR लग रहे थे, यहाँ क्या लगेंगे, दो SR, OR के बदले SR। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको आप कॉपी कर सकते हैं इफ यू वांट फॉर दिस रिएक्शन। अब आप सोचो यहाँ पर मतलब ये स्पेशल, ये एक्चुअली फेमस रिएक्शन है फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, ये एक फेमस रिएक्शन है जिसको मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में दे दिया है, ये फेमस रिएक्शन, इसका नाम है मोजिंगो रिडक्शन, मोजिंगो रिडक्शन, मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में दिया है मोजिंगो रिडक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्केन यूजिंग एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो ये अब आप आंसर निकाल चाहिए तो मैं सेकेंड स्क्रीन दिखा दूं इफ यू वांट, अदरवाइज आप इसी को अटेम्प्ट करें। दिखा दो सर, दूसरा सर क्वेश्चन दिखाओ ना एक बार। आसानी से आप लिख पाओगे ए और बी, ए आप गेस करो, ए ज्यादा मतलब क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ए इंपॉर्टेंट है अपना, बी तो फटाफट आप लिख पाओगे क्योंकि पड़ोस में कुछ और भी लिख दिया है उसमें। गाइस देखो मैं बता देता हूं, देखिए सबसे पहले तो जैसे मैंने यहां पर दिखाया ना आपको कि दो ओ आर ओ एच लेना पड़ा, दो ओ आर इस तरह से कनेक्ट हो गया, दो एस एच लिया तो दो एस आर कनेक्ट हो गया। अब इस पर्टिकुलर इसमें देखो ये स्टाइल देखिए इसकी, एक ही मॉलिक्यूल में वो दो एस एच वाले पार्ट है, नॉर्मली वी टेक टू एस आर एस एच और वो एस आर एस आर कनेक्ट होता है, बट इसमें क्या होगा कि यही पार्ट है जो सीधे देखो ओ हटा दो यहाँ और ये दोनों सल्फर एक एक करके ऐसे जोड़ दो तो कैसा दिखेगा, सी एच थ्री, यहाँ पर सी एच थ्री साइक्लिक दिखना चालू हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों ने ये सोच लिया होगा इस तरह का एक प्रोडक्ट, क्या इतना आपको स्ट्राइक किया था? यस सर। इसके बाद वाला पार्ट तो ये सिंपल रिडक्शन है, H2NI का रिडक्शन है और वो खुद कह रहा है कि देखो H2S बाहर कर दो मतलब, और C2H6, तो ये जो C2H6 दिया है ना ये C2H6 यहाँ वाले हिस्से से आया है,
और रिडक्शन का क्या मतलब होता है, आप हाइड्रोजन सप्लाई करो, हाइड्रोजन किसको दोगे, आप एस को दे दोगे हाइड्रोजन, एस को दे दोगे हाइड्रोजन, कार्बन को हाइड्रोजन दे दोगे, तो एक प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH2CH3। कौन सा कार्बन इंपैक्टेड हुआ यहाँ पर, ये वाला, यानी ये वाला, इसको हाइड्रोजन मिल गया। इसी तरह से सल्फर को मिल गया, यानी आप ऐसा लिख सकते हो, ये आपको वापस मिल गया। लेकिन इसका फर्दर रिडक्शन, जैसे एल्कोहल आप समझ लो रिड्यूस हो रहा हो, तो आप सारा ऑक्सीजन हटा दोगे, रिडक्शन का मतलब होता है भाई, उसी तरह यहाँ सारा सल्फर हटा दिया, तो वो सल्फर हटा तो H2S के फॉर्म में चला गया, और जो कार्बन है वो दो कार्बन बच गए, उनका आप अलग से रिडक्शन वाला एल्केन दिखा देते हो। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं अपने लिए, ये कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, यू हैव कन्वर्टेड एसीटोन इनटू एल्केन। किस टाइप का एल्केन, नॉर्मल, खाली हुआ क्या, सी डबल बॉन्डो को हमने बस CH2 कर दिया। तो ये मोजिंगो रिडक्शन है, ये एक नेम्ड रिएक्शन, इसको आप कॉपी कर सकते हैं, इसको थायोकीटल बोलते हैं, थायोकीटल। और अगर OH वाला केस होता तो वो उसको हम लोग कीटल बोलते हैं। गाइस वीडियो लेक्चर्स का आप याद रखना, पूरी प्रॉपर्टीज तो बहुत कम है उसमें, प्रॉपर्टीज फिनिश करके प्रिपरेशन एल्कीन का मैक्सिमाइज करना जितना आप मैक्सिमम देख पाओ, ठीक है। लुइस एसिड बेटा ये यही दिया ना, एसिडिक मीडियम में चाहिए होता है ना प्रोसेस कराने के लिए, तो इसलिए लुइस एसिड। चलिए मैं इसका रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा, तो अगर किसी को कुछ पार्ट देखता है तो आप देख लेना उसको। ओके सर, थैंक यू।